press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी म्यूज़िक के ज़रिए पूरा का पूरा सॉन्ग जो है वो ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये सवाल मैंने काफ़ी नोट किया कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मैं जब फेसबुक पर भी वीडियोज़ देख रहा होता हूँ तो उसके भी कमेंट सेक्शन में अगर कोई म्यूज़िक ऐड किया होता है किसी क्रिएटर ने, तो आप सब लोग नीचे पूछ रहे होते हैं कि यार कौन सा म्यूज़िक है, कौन सा म्यूज़िक है। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप अपने ही फ़ोन में उस म्यूज़िक को सर्च कर सकते हैं सिर्फ उसकी वॉइस को प्ले करके। तो आज इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है जिसका नाम है शज़ैम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपल इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सिंपल आपने डाउनलोड करने के बाद इसे आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉन्ग प्रेस टू शज़ैम, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी सॉन्ग जो है ढूंढना है या जो भी सॉन्ग फाइंड करना है इसके अंदर, वो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस बैकग्राउंड को जो है हटा दीजिए। ये ऐप जो है वो बैकग्राउंड पर रन करती रहेगी। उसके बाद आप फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ भी ओपन करें और वही सॉन्ग आपने बस प्ले कर लेना है, तो ये बैकग्राउंड पे ऐप रन करती रहेगी। और ये रन करने के बाद उस सॉन्ग को सुनने के बाद आपको जो है उस सॉन्ग का पूरा नेम वगैरह जो है सारे डेटा आपको बता देगी। और यहाँ पर क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो इसकी वजह से ये डिटेक्ट नहीं कर पाई है, तो एक बार हम फिर से रिट्राई कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर सिंपल हम फिर से YouTube अपनी हटा देंगे, और YouTube हटाने के बाद सिंपल दोबारा से इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और दोबारा टैप टू शज़ैम पे क्लिक करेंगे। अगर कभी आपके पास ये एरर आता है कि ये ना ढूंढे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको रिट्राई कर दीजिए। और हम दोबारा इसको जो है यहाँ पर प्ले कर लेते हैं म्यूज़िक को, और इस बार मैं इसको डिटेक्ट करने देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने बोलना बंद किया तो इसने फ़ौरन ही इस सॉन्ग को डिटेक्ट कर लिया। इसको बिल्कुल 1 से 2 सेकंड लगेंगे किसी भी सॉन्ग को ढूंढने में। आप सिंपल फिर दोबारा अपने शज़ैम ऐप को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको ऊपर लाइब्रेरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद जो भी रिसेंट सॉन्ग आपने सर्च किया होगा वो यहाँ पर आपको नाम उसका बता देगा। तो उससे पहले भी मैंने काफ़ी सॉन्ग सर्च किए हैं, मुझे काफ़ी अच्छे म्यूज़िक लगे थे ये, तो मैं फेसबुक पर वीडियो देख रहा था तो मैंने इसको प्ले करा और मैंने उस सॉन्ग का नाम जो है इसके ज़रिए मालूम कर लिया। तो इसी तरह आप किसी भी सॉन्ग को प्ले करके उसका नाम मालूम कर सकते हैं। तो फिर रिसेंट हमने इस सॉन्ग का नाम मालूम किया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका यूट्यूब लिंक आपको और हर चीज़ आपको ये बता देगा। आपने सिंपल यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को यूट्यूब पे इस सॉन्ग को आपने यूट्यूब पे ओपन कर लेना है। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने किस तरह से एक म्यूज़िक के ज़रिए पूरा का पूरा सॉन्ग जो है वो मालूम कर लिया। इसी तरह से आप फेसबुक इंस्टाग्राम के किसी भी चीज़ को देख रहे हैं और आपको एक म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप चाह रहे हो कि आप उस म्यूज़िक को डाउनलोड करिए, उसका नाम वगैरह आपको नहीं मालूम हो रहा, तो आप सिंपल इस ऐप के ज़रिए उस म्यूज़िक का नाम और सब कुछ आप मालूम कर सकते हो। बस सिंपल आपने इस पर क्लिक करके इसको बैकग्राउंड में रन करने देना है। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी टू यूज़ है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को आती है, आइंदा से उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस एप्लीकेशन के थ्रू फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।